नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बिहार गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो हमारे सामने गूगल पेज खुला हुआ है, इसमें हम लोगों को टाइप करना है DST बिहार। ठीक है, DST BIHAR, DST बिहार हमने टाइप किया तो हमारे सामने ये फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इधर नोटिस आर्काइव सर्कुलर नोटिफिकेशन कहीं से भी क्लिक करेंगे तो उसी पेज में आप पहुंचेगा। तो मैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, सारे नोटिसेज मेरे सामने खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हम लोग देख चुके हैं, आज ही था एक मतलब कि लेक्चरर का था। यहाँ पे देख सकते हैं इन रिलेशन ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑन द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन स्टेट PSUs। तो इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अभी हम लोग देखने वाले हैं इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है सके उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो हमारे सामने एक नोटिस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका करना है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे असैनिक मतलब सिविल, सिविल में हम लोग का टोटल 304 पोस्ट है और मैकेनिकल यांत्रिकी में जो है सो कि 251 पोस्ट है। तो हमारे सामने सिविल का टोटल 304 पोस्ट है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिया हुआ है कि कौन कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। यांत्रिकी मैकेनिकल में 251 पोस्ट है, तो काफी अच्छा पोस्ट है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरक्षण जो है सो कि रिजर्वेशन तो होगा ही होगा, मानदेय आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आप जिस भी ब्रांच में, मैकेनिकल गए तो मैकेनिकल, सिविल गए तो सिविल, प्रासंगिक वाले बीई या बीटेक और एमई एमटेक, जिसमें बीई या बीटेक अथवा एमई एमटेक में किसी एक श्रेणी में प्रथम या अथवा संग्रह डिग्री था गेट, उतना आवश्यक है। इसमें गेट जो है सो कि आपको कंपलसरी होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 1 मार्च 2019 तक आपका 22 वर्ष होना कंपलसरी है। ठीक है, नियोजन अवधि की बात करें तो संविधान के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से 1 वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा का अनुसंस्करण नियमित नियुक्ति होने तक जो पहले की होगी, मतलब 1 साल, उसके बाद जो है सो कि बीपीएससी के द्वारा आपका रिकमेंडेशन किया था परमानेंट के लिए। तो जनरली ये सब पोस्ट जो होता है लेक्चरर वगैरह का, असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट हो ही जाता है। ठीक है, और वैसे भी आप गवर्नमेंट में तो सारा लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया जो है सो कि आपका अभियंत्रण संकायों में ग्रेजुएट ग्रेट गेट स्कोर एवं विज्ञान एवं मानविकी संज्ञाओं में UGC CSIR मतलब गेट और नेट स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसका यदि हम लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन इसका 1 मार्च मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, 11 मार्च से, लास्ट डेट इसका 31 मार्च होगा। ठीक है, और विज्ञापन की सभी शर्तें मान होगी। तो ये हमारे सामने एक था मैकेनिकल और सिविल का नोटिफिकेशन, और भी इस तरह का नोटिफिकेशन आप यदि पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इस चैनल पर रेगुलर नोटिफिकेशन सारे जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, प्राइवेट जॉब्स का अपडेट डालते रहते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसमें लाइक कीजिएगा, और कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।